देखते हैं कैसा पराठा बनाते हैं ये भाई। ये बनेगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता बनेगा। अरे यहाँ चला गया सारा। अरे फट गया फट गया, यहाँ आना चाहिए। अरे फट गया फट गया, वन मोर टाइम फट जाएगा भाई ऐसे पूरा। भाई भाई क्या कर दिया, उसको तल दो भाई, इसके पकौड़े बन जाएंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मम्मी और चाची का करवा चौथ का व्रत। तो आज करवा चौथ में मम्मी और चाची मस्त सज रखे हैं। ये पहाड़ी पिछौड़ा डाल रखा है, नथ डाल रखी है, मांग टीका डाल रखा है। और ये देखो भाई चाची को आज मस्त काम करने में लगे हुए हैं, सारे किचन के काम। मम्मी जी को बुखार हो रहा है, मम्मी जी को कमर में दर्द हो रही है, मम्मी के हाथ पैरों में दर्द हो रही है, बट फिर भी मम्मी ने व्रत रख लिया। मैं मना कर रहा था कि इतना मत रखो, बट फिर भी मम्मी डेली व्रत रख लेती है। व्रत तो रखना ही पड़ता है, तोड़ नहीं सकते। ये जो आप स्माइल दिखा रहे हो ना, स्माइल के पीछे मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम है आपको। शरीर ही खराब हो गया और क्या है, नहीं तो सब ठीक ही हो रहा था। क्या ठीक हो रहा था, बढ़िया हो रहा था। गाइस लाइफ में सब कुछ कर लेना, लेकिन अपना शरीर सही रखना, शरीर में बीमारियां मत रखना बिल्कुल भी। मधुमक्खी भाई मेरा, मैं आपको बचाऊंगा। गया 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 गया। तो मेरे को तुम्हारे खाने की टेंशन हो रही, तो एक बार बता दे, मैं खिचड़ी कहता खिचड़ी बना देती हूँ, बना दो बेटा। गई जब से नया सोफा आया ना, मम्मी उठने का नाम ही नहीं ले रही, मम्मी यहीं बैठी है भाई तब से। मम्मी को इतना पसंद आ गया, इतना कंफर्टेबल लग रहा है। गई ओरियो को नहाने के लिए बोला, और देखो यहाँ पे खड़ा हो गया मम्मी के पास। चल चल नहाना है, चला जा। ओरियो बेचारा उसके नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है, घुस ही नहीं पा रहा। चलो भाई ओरियो को पानी रेडी है। तो ये है ओरियो का शैम्पू। कितना पतला सा है यार ये, बालों जैसे लगता है मोटा, बहुत ही पतला है, बहुत ही ज्यादा 8 किलो का तो है। ओए 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 क्या कर रहा है ये, ओए ओए। बालों के साथ मोटा लगता है ये, अदरवाइज तो पतला सा है एकदम। गाइस आप देखो क्या मस्त लग रहा है, एकदम वाइट वाइट। पागल हो गया, आप पागल हो गया। ओए सोफे पर नहीं, सोफे के ऊपर नहीं, सोफे के ऊपर नहीं। तो कुनाली स्कूल से आ गए। कुनाली कैसे आज के दिन स्कूल में? अच्छा था। पढ़ाई की? आज तक करी नहीं पढ़ाई। पढ़ाई नहीं करी? डांस करना होता है बस। डांस करना होता है बस। डांस करना करा, किया डांस? हाँ। स्कूल में डांस किया? हाँ। कैसा डांस? करना होता है बस, रोज ही करता हूँ तो मैं। रोज डांस करते हो स्कूल में? रोज ही। क्यों? काम नहीं करता। एक घंटा दो घंटा तो लाइन से करता हूँ। क्यों? 4 तारीख को क्या कहते हैं, अच्छा फंक्शन है कोई? हाँ, फंक्शन। तो प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे बोलो ना। डांस करता हूँ, डांस करता हूँ, रोज डांस करता हूँ। मम्मी का व्रत है लेकिन तबीयत खराब है, वही तो फिर भी मम्मी रख लेती है, आपके लिए रखा है स्पेशली आपके लिए। गाइस मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी की तबीयत खराब है ना। मेरा प्लान था आज कहीं जाने का, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा मम्मी के साथ ही रहूँगा घर पे। ओ सालू, 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 साहिल का नाम सालू है। साहिल ये देखो सुनता ही नहीं भाई। रोटी बना दूं बेटा, तबीयत खराब हो रही है, रोटी बना दूं? अरे बना लेंगे, हम खुद बना लेंगे यार। आप इतनी पूजा करते हो, इतने व्रत रखते हो, भगवान जी को इतना मानते हो, बट फिर भी आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है आपकी बॉडी में? क्यों रहती है आप क्या बता? है? क्या बता? मम्मी की बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। वही तो यार, जबकि आप इतना करते हो, इतना कुछ करते हो बेटा, सबके बारे में सोचती भी हूँ, करती हूँ, क्या करूँ। तो गाइस आज हम बना रहे हैं चारों मिलके पनीर पराठा। इतना अदरक डालोगे? अदरक 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 दिखी नहीं रखा है। ये गया धनिया ना यार, इतने से क्या होगा? बहुत है भाई, वो बहुत है, वो बाहर निकल जाएगा, आपसे नहीं संभलेगा ये, थोड़ा सा और रखिए। भाई देखते हैं कैसा पराठा बनाते हैं ये। भाई ये बनेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता बनेगा। ये सब निकल गया, सब निकल गया। अरे यहाँ चला गया सारा। अरे फट गया फट गया, यहाँ आना चाहिए। अरे फट गया फट गया, वन मोर टाइम। वो पता नहीं अब कहाँ चला गया होगा। अरे ऐसे नहीं करते यार, क्या कर रहे हो? खराब हो गया ना ये पूरा, ये तो पूरा फट जाएगा यार, ऐसे पूरा फट जाएगा, फट जाएगा भाई ऐसे पूरा। भाई भाई क्या कर दिया, उसको तल दो भाई, इसके पकौड़े बन जाएंगे, मूंग दाल के पकौड़े। मम्मी देखो क्या कर दिया इसने, ये देखो क्या कर दिया इसने। हो सकता है इसका, इसका बन जाती है रोटी। कैसे बनेगी? बन जाए मरा, कैसे बनेगी रोटी या फिर पराठा? अब देखो ये सीख लो भाई, सीख लो। ये देख अब खुलेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं। लेकिन इसमें पनीर बहुत कम है ना, दिक्कत है। यहां से भी रख दिया, इसमें से भी रख दिया, कम कहां है। अब देखो खुलेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं। तभी तो कहती हूँ हम बनाएंगे, जब मान लिया कभी मैं नहीं हूँ बनाने वाली, तो ये कैसे खाओगे तुम बना के? मुझे तो आता है, ये तो साहिल बना रहा था, मैं बना के दिखाऊं? कल रात को मैंने सपना देखा था। क्या? कि मैंने बम फोड़ा था ना, मैं स्वर्ग में चला गया था। स्वर्ग में? हाँ, उसके बाद मैं भी फट गया था। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग स्वर्ग मतलब एक जगह होती है। क्या था स्वर्ग? क्या था स्वर्ग में? स्वर्ग में परियां। परियां क्या होता है? स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग मतलब वो
जो अच्छे इंसान होते हैं ना उनको भेजते हैं स्वर्ग, और जो बुरे इंसान होते हैं उनको नर्क भेजते हैं। नर्क, नर्क क्या होता है? नर्क मतलब बुरा जगह है, बुरी जगह। वहाँ पे क्या होता होगा? वहाँ पे तो बुरे काम होते होंगे। भाई इसको बता कौन रहा है स्वर्ग नर्क, कौन बता रहा है स्वर्ग नर्क? यूट्यूब भेजता कौन है स्वर्ग नर्क? यमराज, यमराज। भाई इसको सब पता है यार इसको। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाने जाता हूँ। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे काम। मैं पिज़्ज़ा से लड़ाई नहीं करूँगा। मैं हेल्दी चीजें खाऊंगा और मैं ब्लॉग बनाऊंगा और मैं अंगूठा नहीं चूसूंगा। गाइस कुनाली तो अलग ही बातें कर रहा है अभी से स्वर्ग नर्क की। भाई इसकी एज में तो हम बस खिलौने खिलौने करते रहते थे। भाई ऐसा सपना तो मुझे भी नहीं आया आज तक। जब भी सपने में कुछ ऐसा होता है ना नींद खुल जाती एकदम से, कुछ भी हो जाए तो मर जाए तो। ये स्वर्ग में पहुंच गया सीधा। कह रहे वहां परियां मिली, परियों से मैंने जादू की छड़ी ले ली। कह रहे कल स्वर्ग में पहुंच गया मैं सपने में मरने के बाद। कह रहे बम फोड़ रहा था मैं भी फूट गया, फिर स्वर्ग में पहुंच गया वहां परियां मिली। और इसको सब पता, कह रहा है स्वर्ग नर्क सब पता है। कैसे कह रहे हैं? मोबाइल में देखता होगा वैसे ही कह रहा है। तो अब लंच करते हैं पनीर पराठा और दही। तो गाइस मम्मी जी की पूजा की थाली रेडी है करवा चौथ की। गाइस आज तो देखो चाचा जी को मस्त सज रखे हैं। ना सोना ना चांदी ना हीरा चाहिए, भजन याद करो, भजन गाने भी सीखो ना। डांस के हाथ में भजन गाने भी जरूरी है, भजन गाने भी तो सीखो ना। सीखो नहीं आता तो सीखो। अरे वाह। तो गाइस अब बात करते हैं मीटअप के बारे में, जो कि हम कल निकलेंगे हैदराबाद के लिए, जहाँ पे 4 और 5 तारीख को हम रहेंगे। तो आप आ सकते हो हमसे मिलने के लिए 4 और 5 तारीख को ड्रीम हैक में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जितने भी लोग हैदराबाद से देखते हैं आप मिलने के लिए आ सकते हो, मस्त टिकट बुक कर सकते हो। मिलते हैं 4 और 5 तारीख को हैदराबाद में। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? फोन लो। अब किसका ले लिया? बड़ी मम्मी का। अब किसका ले लिया? मम्मी का छोड़ो तो चाची का ले लेता है, चाची का छोड़ो तो मम्मी का ले लेता है। सिर्फ मम्मी और चाची के फोन लेता है आप दोनों के। अगर आप अपने छुपा के रखोगे अपने पास रखोगे तो नहीं लेगा वो। दिक्कत ये इनकी पैंट में जेब नहीं होती। गाइस मेरे को तो लग रही है भूख, जल्दी से पूजा हो जाए मम्मी का व्रत खुले फिर जाएंगे हम स्काईडेक खाने के लिए। मम्मी ने खाने बनाया घर में। तो गाइस फाइनली चंदा मामा आ चुके हैं, तो अब करते हैं पूजा। मम्मी की पूजा की थाली रेडी है, चाची की भी। तो मंदिर के पास पहुंच गए, सामने चंदा मामा। चाचा जी पिलाओगे पानी? हाँ तो सिर्फ ना सिर्फ आदमी की पूजा एक दिन के लिए होती है, एक दिन के लिए होती है पूजा बस। चाची पानी पी रही है। चलो फाइनली व्रत खुल गया, तो अब चलते हैं सीधा स्काईडेक, वहीं पे डिनर करेंगे सारे पूरी फैमिली आज। बैठो बैठो, सोई बैठो मम्मी बैठो। तो गाइस स्काईडेक पहुंच चुके हैं, तो चलते ऊपर पेट पूजा करके आते हैं। चलो चलो। तो अभी कुनाली बोविया को बता रहे हैं अपने सपने के बारे में। सभी बैठ गए डिनर के लिए। तो गाइस खाना पीना आगे मस्त आ गए हैं, अब जाने का टाइम आ गया। तो अभी घर पे आ गए हैं। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फोटो सेशन, फोटो सेशन। हम सोफे में चाचा जी का फेस इतना, चाचा जी का फेस इतना सीरियस क्यों है? तो हम